सब्सक्राइब कीजिए टेस्टी फूड पॉइंट को और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। टेस्टी फूड पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल चिकन ग्रेवी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। इसमें हमने बिल्कुल पिसा हुआ मसाला यूज़ नहीं किया है, फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह से धो के मैंने साइड में रखा है। तीन बड़े साइज के प्याज है, इसको भी मैंने ग्रेट किया है, कद्दूकस किया है। टोमेटो दो बड़े साइज के, उसको भी मैंने कद्दूकस किया है। एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, दो टीस्पून धनिया पाउडर, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक, उसको मैंने ग्रेट किया है। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, खड़े मसालों में से यहाँ पे मैंने लिया है 2 तेज पत्ता, 1 हरी इलायची और 2 छोटे साइज के दालचीनी के पीस और 3 टेबलस्पून ऑयल। आज हम ये चिकन मिट्टी के बर्तन में बनाने वाले हैं तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल गरम होने के बाद इसमें दालचीनी मिलाएंगे और ये जो हरी इलायची है उसका कवर ओपन करके इसमें डालना है और तेज पत्ता 15 से 20 सेकेंड के लिए फ्राई करना है और इसमें अदरक और लहसुन मिलाना है। अदरक लहसुन को हम 1/2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम प्याज मिलाएंगे। अगर आप चाहे तो प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन वो सारे चीज़ों को मिक्सर में आप पीस सकते हैं। अब इसे हाई फ्लेम पे इसका ब्राउन कलर आने तक प्याज का हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसका कलर हल्का ब्राउन आ चुका है और तेल भी सब सेपरेट होने लगा है तो अब हम इसमें टोमेटो का प्यूरी मिलाएंगे। इसे भी हम मसाला अच्छी तरह से तेल जब तक छोड़ने नहीं लगता है तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये अच्छी तरह से मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर मिलाएंगे, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। सारे मसालों को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। 15 से 20 सेकेंड के लिए हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन के पीसेस डालेंगे। अब हम इसमें अच्छी तरह से मसालों में चिकन को मिक्स करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून नमक मिलाया है। अब हम चिकन को अच्छी तरह से बॉईल करने के लिए इसमें 1 से 1.5 गिलास तक पानी इसमें मिलाएंगे। अब इसको मिक्स करके फिर से हम चेक करेंगे और जितना ज़रूरत है उतना पानी हम इसमें मिलाएंगे। अगर आपको चिकन का ग्रेवी गाढ़ा या पतला चाहिए उसी हिसाब से इसमें पानी मिलाना है। मैंने और 1 कप पानी इसमें मिलाया है, मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसको बॉईल आने के लिए वेट करेंगे। अब चिकन जो है वो अच्छी तरह से बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए कवर करके इसको हम
15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो या मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। लगभग 18 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको ओपन करके चेक किया, इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है और चिकन के पीसेस जो है वो अच्छे से सॉफ्ट कुक हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम जो है वो बंद करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल चिकन ग्रेवी हमारी बन के रेडी है। इस चिकन को आप रोटी, चपाती, राइस किसी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।